Hello everyone, my name is Vijayashree. Welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने पढ़ा था differential protection. Differential protection जो है scheme वो किस तरीके से काम करती है वो हमने पिछले tutorial में देखा था. तो इस tutorial में हम पढ़ने वाले हैं fault bus protection के बारे में. Okay? तो देखते हैं one by one point to point wise की जो fault bus protection होता है वो क्या होता है exactly. So, in fault bus protection scheme, the substation is so designed that every fault that developed is converted into earth fault. इस scheme में क्या होता है? जो substation होता है हमारा, वो इस तरीके से जो है design किया जाता है, is so designed that every fault, हर fault जो है, that developed is converted into earth fault. तो क्या बोला गया है इस पॉइंट में कि जो फॉल्ट बस प्रोटेक्शन स्कीम है उसमें क्या होता है, सबस्टेशन जो है हमारा इस तरीके से जो है डिजाइन किया जाता है कि हर एक फॉल्ट जो आता है उसमें जो कि डेवलप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अर्थ फॉल्ट में. ओके, इस तरीके से जो हमारा सबस्टेशन है वो डिजाइन किया जाता है. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉरी द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्च टाइप ऑफ स्कीम इज डेवलप्ड बाय रनिंग अर्थ मेटल बैरियर आल्सो नोन एज फॉल्ट बस सराउंडिंग ईच कंडक्टर थ्रू आउट इट्स एंटायर लेंथ इन द बस स्ट्रक्चर. तो इस तरीके की जो स्कीम है, ओके, सच टाइप ऑफ स्कीम डेवलप्ड बाय रनिंग अर्थ मेटल बैरियर. क्या बोला है कि सच टाइप ऑफ स्कीम जो है डेवलप की जाती है बाय रनिंग अर्थ मेटल बैरियर. ओके, तो ये जो है इस तरीके की जो स्कीम है डेवलप की जाती है रन करके अर्थ मेटल बैरियर को. ओके, अर्थ मेटल बैरियर दिस आल्सो नोन एज फॉल्ट बस सराउंडिंग ईच कंडक्टर थ्रू आउट इट्स एंटायर लेंथ इन द बस स्ट्रक्चर. तो ये जो है मेटल अर्थ मेटल बैरियर इसको इस जो सच ये जो इस तरीके की जो स्कीम होती है, ओके ओके, जो कि डेवलप होती है रन करके किसको, अर्थ मेटल बैरियर को, इसको क्या बोला जाता है, आल्सो नोन एज फॉल्ट बस सराउंडिंग ओके ईच कंडक्टर थ्रू आउट इट्स एंटायर लेंथ इन द बस स्ट्रक्चर. यानी कि फॉल्ट बस जो सराउंड होती है ओके हर एक कंडक्टर के थ्रू, ओके, थ्रू आउट इट्स एंटायर लेंथ पूरी की पूरी उसकी लेंथ के लिए इन द बस स्ट्रक्चर. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉल्ट बस इज अर्थ प्रॉपरली. फॉल्ट बस इज अर्थ प्रॉपरली थ्रू अ करंट ट्रांसफॉर्मर. ओके, एक सीटी से जो है अर्थ की जाती है कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट. ओके, तो ये जो फॉल्ट बस है हमारी अर्थ की जाती है थ्रू द सिटी, ओके, जो कि कनेक्टेड होती है उसके साथ, किसके किसमें, सीरीज में कनेक्टेड होती है. देयरफॉर ईच एंड एवरी फॉल्ट दैट माइट ऑकर ऑन द बस बार विल इन्वॉल्व अ कनेक्शन बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ मेटल पार्ट. ओके, तो क्या बोला है, इस रीजन से क्या होता है, देयरफॉर इस रीजन से जो भी हर एक फॉल्ट, एवरी ईच एंड एवरी फॉल्ट
इज एन एवरी फॉल्ट क्या होता है दैट माइट ऑकर ऑन द बस बार विल इन्वॉल्व अ कनेक्शन बिटवीन, जो कि करेगा एक कनेक्शन इन्वॉल्व करेगा अ कनेक्शन बिटवीन किसके बीच में, कंडक्टर के बीच में एंड अर्थ मेटल पार्ट के बीच में. ओके दैट इज एवरी फॉल्ट दैट मे डेवलप विल बी कन्वर्टेड इन टू अर्थ फॉल्ट. यही जो हमने पहले पॉइंट देखा था, इस तरीके से जो है क्या करता है, जो ईच एंड एवरी फॉल्ट जो कि इन्वॉल्व होता है कनेक्शन में, ओके जो कि इन्वॉल्व होता है कनेक्शन में किसके बीच में, जो कंडक्टर एंड अर्थ मेटल पार्ट होता है. तो इस रीजन से क्या होता है, जो अर्थ फॉल्ट जो कि डेवलप होता है, सॉरी एवरी फॉल्ट जो डेवलप होता है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, अर्थ फॉल्ट में जो है कन्वर्ट हो जाता है. ओके नाउ ऑन द ऑकरेंस ऑफ एवरी फॉल्ट ऑन द बस बार विल कॉज द डाइवर्जेंस ऑफ फॉल्ट करंट टुवर्ड्स द अर्थ. ओके तो ऑकरेंस ऑफ एवरी फॉल्ट क्या करेगा, एवरी फॉल्ट ऑन द बस बार विल कॉज क्या करेगा, डाइवर्जन यानी कि डाइवर्ट करने का काम करेगा, डाइवर्जन ऑफ फॉल्ट करंट टूवर्ड्स द अर्थ. किसके टूवर्ड्स, अर्थ के टूवर्ड्स. ओके तो जो हर एक फॉल्ट जो ऑकर होता है वो क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा फॉल्ट करंट को किस किस में, टूवर्ड्स द अर्थ. ओके थस द अर्थ फॉल्ट करंट कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय अ रिले दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस the secondary of this current transformer. okay तो क्या बोला है इस पॉइंट में, इसीलिए इस रीजन से जो है हर एक फॉल्ट जो है डाइवर्ट होता है फॉल्ट करंट इसमें अर्थ फॉल्ट में, अर्थ की तरफ जो डाइवर्ट होता है. thus इसी रीजन से जो है अर्थ फॉल्ट करंट जो है इजीली डिटेक्ट किया जाता है बाय द रिले जो कि कनेक्टेड है अक्रॉस दी सेकेंडरी ऑफ द सिटी. सिटी के सेकेंडरी के अक्रॉस जो है ये रिले जो कनेक्टेड है वो इसको आराम से डिटेक्ट कर सकता है. ओके अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन देर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द बस टू ग्राउंड. क्या बोला है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, ओके किसी भी तरीके का करंट जो है फ्लो नहीं होता. No current will flow through bus, through fault bus, okay, to the ground. And जो relay है हमारा वो वैसे के वैसा जो है inoperative mode में रहेगा. ओके यानी कि normal condition में किसी भी तरीके का current जो है flow नहीं होगा through the fault bus to the ground. इसलिए जो हमारा रिले है वो हमें उसी जो है इनऑपरेटिव कंडीशन में रिमेन में रहेगा. ओके यानी कि इनऑपरेटिव यानी कि वो ऑपरेट नहीं होगा. ओके देन व्हेन एनी फॉल्ट ऑकर्स ऑन द बस बार इन्वॉल्विंग अ कनेक्शन बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ. ओके यानी कि जब फॉल्टी कंडीशन होती है, जब किसी भी तरीके का जो फॉल्ट ऑकर होता है तब उस कंडीशन में जो जो कि इन्वॉल्व होता है बस बार में, ओके किसका कनेक्शन, कनेक्शन किनके बीच में, कनेक्शन बिटवीन कंडक्टर
एंड अर्थ। ओके, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कंडक्टर एंड अर्थ का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बीच का जो कनेक्शन होता है उसकी बात हो रही है। ओके, विल कॉज अ फ्लो ऑफ करंट टू अर्थ फ्लो अर्थ थ्रू फॉल्ट बस। क्या करेगा ये, विल कॉज अ फ्लो ऑफ करंट टू अर्थ थ्रू फॉल्ट बस। ओके, तो जो कनेक्शन होता है बिटवीन द करंट एंड अर्थ और सपोर्टिंग करंट, सॉरी, जो कनेक्शन होता है बिटवीन द कंडक्टर एंड अर्थ के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में, उनसे क्या होता है, कॉज होता है फ्लो ऑफ करंट किसमें, टू द अर्थ थ्रू द फॉल्ट बस। ओके, और इसी रीजन से क्या होता है, हमारा जो रिले है वो ऑपरेट होता है, रिले विल ऑपरेट, ओके, टू एक्चुएट ट्रिप द कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर टू ट्रिप द सर्किट। रिले ऑपरेट होगा और हमारे सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स है वो ओपन हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से जो हमारा फॉल्ट बस प्रोटेक्शन है वो काम करता है। ओके, तो ये तो हो गया है हमारी जो दोनों के दोनों जो स्कीम्स है बस बार प्रोटेक्शन की, वो यहाँ पे हमने खत्म कर ली। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।